हेलो हेलो गाइस यार, क्या हाल है। आज है संडे और आज मैं करने आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के बीच पर मजे, क्योंकि यार संडे को कुछ काम वाम करना नहीं चाहिए, आराम से लॉस सैंटोस के बीच पर आके व्यू देखनी चाहिए। लॉस सैंटोस का बीच से ही मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम जेट स्की में घूम सकते हैं, पानी में यॉट में जा सकते हैं, बोट में जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेलीस्कोप में से भी देख सकते हैं। और टेलीस्कोप में देखा जाए क्या चल रहा है समुन्दर के अंदर। देखो भाई समुन्दर कितना ज्यादा मस्त दिख रहा है। एक सेकंड, वहां पर क्या चल रहा है। अरे ये लड़की समुंदर के बीच में क्या कर रही है। एक सेकंड, उसके आसपास तो मुझे शार्क दिखाई दे रही है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अबे ये क्या चल रहा है, ये लड़की समुंदर के बीच में क्या कर रही है। अबे हटाओ टेलीस्कोप को। एक सेकंड, नीचे कितने सारे लोग खड़े। रुक जाओ देखते क्या चल रहा है। वो लड़की उधर क्या कर रही है। अरे भैया वो लड़की वहाँ पर अटक गई है शार्क के बीच में, अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। अरे उसको किसी को बचाना पड़ेगा। तुम्हें स्विमिंग आती है क्या। स्विमिंग तो आती है भैया। अरे तो जाके उसको बचा के लाओ ना। अरे भैया पागल हो गए हो क्या, इतनी सारी शार्क यहाँ पे। शार्क, अरे शार्क मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे भैया पानी में बहुत सारी शार्क है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अगर किसी को मरने का है तो वो जा सकता है, वो शार्क कच्चा चबा जाएगी। अरे तो क्या इसका मतलब उस लड़की को मरने दोगे। अरे भैया तो उसके चक्कर में हम तो ना मर जाएंगे। अरे तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम जाके उसको बचा लो ना। मैं चला जाता पर वो मैंने सुबह सुबह नहा लिया ना, मैं दूसरी बार नहाना नहीं चाहता। हाँ हाँ, बहाना मत मारो, बचा सकते हो तो बचाओ, वरना चुपचाप खड़े खड़े मरते हुए देखो। मरते हुए देखो, अरे अंकल पागल हो गए क्या, इतने सारे लोग हैं, कोई तो होगा जो शार्क से डरता नहीं है और जाके उसको बचा ला पाए। अबे काले देखो साल दिक्कत है, तू चले जा। अरे कैसे कैसे लोग है उसको बचा नहीं पा रहे हैं लड़की को। अरे मुझे तो लगता है एवेंजर्स को फोन करना चाहिए, वही कुछ कर पाएंगे। हाँ हाँ सही कह रहे हो, एवेंजर्स को फोन करो। अच्छा रुको, मेरे पास स्पाइडरमैन का नंबर है, मैं उसे फोन करता हूँ। अरे भैया आपके पास स्पाइडरमैन का नंबर है, मुझे भी दो ना। अबे चला प्रसाद बैठ रहा है, जो मैं देखो स्पाइडरमैन का नंबर दे दूं। तो कैसे फटाफट स्पाइडरमैन को फोन लगाते हैं। उसका नंबर है 728। हाँ भैया 728। अरे इसके सामने मुझे बोलना नहीं है, मुझे चुपचाप लगाना चाहिए, फटाफट स्पाइडरमैन को फोन लगाते हैं। हेलो स्पाइडरमैन, अरे तेरी यहाँ पे बहुत ही जरूरत है, जल्दी से लॉस सैंटोस के बीच पर आ जा। क्या हो गया फ्रैंकलिन। अरे यहाँ पर एक लड़की अटक चुकी है पानी के बीच और शार्क ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। चल दिया। मैंने स्पाइडरमैन को फोन कर दिया है, स्पाइडरमैन थोड़ी देर में आने वाला है। अरे भैया आप कौन हो, आप तो स्पाइडरमैन को भी जानते हो। अरे स्पाइडरमैन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अरे दीदी थोड़ी देर और बस खड़े रहो, स्पाइडरमैन आ रहा है। आप टेंशन मत लो, स्पाइडरमैन बस थोड़ी देर में आने वाला है। अरे बर्गर वाले चाचा, मैं बाद में आऊंगा बर्गर खाने, अभी मुझे बहुत ही जरूरी काम आ गया। अरे बेटा एकदम से क्या हो गया। अरे फ्रैंकलिन को मेरी जरूरत है, बीच पर कोई दीदी शार्कों के बीच में अटक गई है, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। अरे बेटा फ्रैंकलिन तो वही है ना जिसके पास ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड है, जिस पर हम कुछ भी बनाते हैं वो रियल लाइफ में आ जाता है। हाँ चाचा वो मैजिक बोर्ड फ्रैंकलिन के पास ही है, चलो मैं आपसे बाद में लूंगा, मुझे जल्दी से बीच पर पहुँचना पड़ेगा। मैंने स्पाइडरमैन की सारी बात सुन ली, फ्रैंकलिन के पास है ड्राइंग मैजिक बोर्ड और स्पाइडरमैन उसी के पास जा रहा है। अगर वो ड्राइंग मैजिक बोर्ड मुझे चाहिए तो मुझे स्पाइडरमैन के शरीर के अंदर घुसना पड़ेगा। चलो फटाफट से चलते हैं और स्पाइडरमैन के शरीर के अंदर घुस जाते हैं ताकि मैं उस मैजिक बोर्ड तक पहुँच सकूँ। हेलो स्पाइडरमैन। अरे ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं स्पाइडरमैन के शरीर के अंदर घुस चुका हूँ, स्पाइडरमैन के जरिए मैं फ्रैंकलिन तक पहुँचूंगा, फिर उसके बाद उस ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर, उसके बाद इस लॉस सैंटोस पर राज करने का सपना मेरा पूरा होगा। अरे मुझे जल्दी से फ्रैंकलिन के पास पहुँचना चाहिए, चलो। अरे स्पाइडरमैन वो देख सामने वहाँ पे लड़की अटकी हुई है, तुझे उसको वापस लाना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो फ्रैंकलिन, अभी मैं उसको लेके आता हूँ और फिर मैं तुझे खाऊंगा। अरे क्या बोल रहे स्पाइडरमैन। अरे मेरा मतलब है मैं उसको बचा के लेके आता हूँ। दीदी मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे शार्क है, मुझे इन सारे शार्क को मारना पड़ेगा। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं।
पति, आप जा सकते हैं। अरे देखो देखो, स्पाइडरमैन ने उस लड़की को बचा लिया, बहुत बढ़िया। स्पाइडरमैन, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया उस लड़की को बचा के। अरे फ्रैंकलिन, मैं इतना भी खास नहीं। चलो स्पाइडरमैन, मैं चलता हूँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अरे फ्रैंकलिन रुको। ये कौन बोला? अरे फ्रैंकलिन, मैं बोला, रुको रुको दो मिनट। हाँ बोल, क्या हो गया? फ्रैंकलिन, हम कितने दिनों से मिले नहीं है, चलो ना थोड़ा टाइम पास करते हैं। टाइम पास? अरे हाँ, अरे हम पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बन के साथ में घूमेंगे, तुम्हारे घर पर चल के साथ में चाय पियेंगे। पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? अबे तू तो कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड था भी नहीं, और हम पहले कहाँ घूमते थे? अरे मैंने ये क्या बोल दिया? अरे फ्रैंकलिन, मेरा मतलब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते, चलो ना तुम्हारे घर पर चाय पीते। मेरे घर पे क्यों पीनी है? चल ना, मैं तुझे कैफे में चाय पिलाता हूँ। मुझे कैफे में चाय नहीं पीनी, मुझे तेरे घर में चाय पीनी है। अबे स्पाइडरमैन डरा क्यों रहे? अच्छा ठीक है, चल मेरे घर से तुझे चाय पिलाता हूँ। थैंक यू फ्रैंकलिन, चलो चलते। ये स्पाइडरमैन पता नहीं ऐसा कैसा बिहेव कर रहा है, आज तक इसने मेरे से ऐसे बात नहीं करी थी। क्या पता, मुझे लगता है यार पानी में जाके इसका दिमाग हिल गया है। चल स्पाइडरमैन, मैं चाय पिलाता हूँ। आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया, अब मैं फ्रैंकलिन के घर पे जाके चाय पीऊंगा। चाय पीना तो एक बहाना है, मुझे तो फ्रैंकलिन का ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड यूज करना है। क्या स्पाइडरमैन, तूने कुछ बोला क्या? हाँ चल चलते हैं। तो गाइस, मैं स्पाइडरमैन को लेके जा रहा हूँ अपने घर पे चाय पिलाने। आज तक इसने कभी नहीं बोला कि मेरे घर पे इसको चाय पीनी है, पर आज बोल रहा है, तो चलो यार पिला देते हैं। फटाफट से स्पाइडरमैन को लेके चलते हैं अपने घर पे। तो गाइस, अब स्पाइडरमैन और मैं आ चुके अपने घर पर स्पाइडरमैन को चाय पिलाने। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हारे घर तो बहुत ही अच्छा है। अब जल्दी से बता, मैजिक बोर्ड कहाँ पे है? क्या बोला? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चाय पीते। हाँ आजा आजा चाय पीते। तो काइजर भी बड़ा बड़े किचन में और स्पाइडरमैन के लिए चाय बनाते हैं। जल्दी जल्दी चाय का सारा सामान निकालते हैं। अरे फ्रैंकलिन, बाथरूम कहाँ पर है? बाथरूम? बाथरूम नीचे वाले फ्लोर पर है। तुम चाय बनाओ, मैं बाथरूम होके आता हूँ, जल्दी जल्दी चलो। आखिरकार मैंने फ्रैंकलिन को पागल बना दिया, अब मुझे इसका मैजिक बोर्ड ढूंढना है। जल्दी से इसका मैजिक बोर्ड ढूंढते हैं। कहाँ पर रखा होगा इसने मैजिक बोर्ड? कहाँ पर है मैजिक बोर्ड? इसका ड्राइंग मैजिक बोर्ड कहाँ पर? अरे स्पाइडरमैन, वहाँ पर क्या कर रहा है? नीचे बाथरूम में। हाँ, वो गलती से मैं आ गया था, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। यहाँ पर तो इसका मैजिक बोर्ड नहीं मिल रहा। स्पाइडरमैन, चाय बनने वाली, आ जा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये क्या, मुझे मैजिक बोर्ड मिल गया, मुझे मैजिक बोर्ड मिल गया। तो आखिरकार मुझे मैजिक बोर्ड मिल चुका है, और मैं इस मैजिक बोर्ड में एक ऐसा खतरनाक वेनम बनाने वाला हूँ जो कि इस पूरे लॉस सैंटोस पर राज करने वाला है। चलो फटाफट से बनाते हैं। तो आखिरकार मुझे ये खतरनाक सा मैजिक बोर्ड मिल गया। मैं स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर इसलिए आया था ताकि मैं इस मैजिक बोर्ड तक पहुंच सकूं, और ये मैजिक बोर्ड मुझे मिल चुका है। तो फटाफट से बनाते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम ताकि मैं इस लॉस सैंटोस पे राज कर सकूं। अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं, पर मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं किसी की भी बॉडी में घुस सकता हूं। इसलिए मैं स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर घुस गया, और अभी मैं खतरनाक सा वेनम बनाने वाला हूं। चलो फटाफट से उसको बनाते हैं। ये वेनम इतना खतरनाक होने वाला है, किसी ने आज तक इतना खतरनाक वेनम नहीं देखा होगा। पहले हम बनाएंगे इसके खतरनाक खतरनाक डोले, क्योंकि ये डोले वाला वेनम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्पाइडरमैन ने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करी इस बोर्ड को लाने में, तो मैं सोच रहा हूँ ये स्पाइडर वेनम बनाने की। ये स्पाइडर वेनम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलो फटाफट से इसको बनाते, ये इसकी बॉडी बन गई। अब इसके बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक पैर बनाते हैं। ये वेनम वाले पैर बहुत खतरनाक है। इसके पैरों के भी खतरनाक खतरनाक मसल है, ताकि पैर भी पावरफुल होने चाहिए। वापस से मसल, और ये हमारी बाहर की बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। अब फटाफट से इसको पूरे के पूरे सॉक्स बनाते स्पाइडरमैन वाले, और इसकी बाकी की बॉडी को भी बनाते। इसको यहाँ पर लेके जाएंगे ताकि ये स्पाइडरमैन जैसा लगना चाहिए, और इसको भी यहाँ पर लेके जाएंगे, और ये हमारा स्पाइडरमैन बहुत ही खतरनाक लगने वाला है। हमें यहाँ पर इसकी पैंट को साथ में जोड़ना पड़ेगा, ये अलग अलग हो चुकी है पैंट इसकी, और यहाँ पर इसकी पैंट भी हमने जोड़ दी। चलो अब इसका मुंह बनाते हैं। मुंह में बनेगी सबसे पहले वेनम की खतरनाक खतरनाक आंखें। तो सबसे पहले बनाने वाले मुंह, और मुंह में बनेगी सबसे पहले वेनम की खतरनाक आंख, और ये दोनों आंखें बन गई। अब वेनम का बड़ा सा खतरनाक मुंह, ये बन गया वेनम का मुंह, और इस पे बनेंगे वेनम के खतरनाक खतरनाक दांत, क्योंकि वेनम के दांत है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि वेनम रोज ब्रश करता है। अगर आपको भी चाहिए खतरनाक दांत, तो रोज ब्रश कीजिए। अरे
अरे ये स्पाइडरमैन कहाँ चला गया, अभी तक आया ही नहीं है। एक सेकंड, ये ऊपर क्या कर रहा है? अरे ये मेरे मैजिक बोर्ड के साथ क्या कर रहा है? अबे इसको तो मैंने बाथरूम भेजा था, पर ये मैजिक बोर्ड पे कहाँ से पहुँच गया? मुझे जल्दी जाकर चेक करना चाहिए। स्पाइडरमैन, अरे स्पाइडरमैन क्या कर रहा है मैजिक बोर्ड पर? स्पाइडरमैन, अबे मैं देखो बाथरूम भेजा था ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन, मैं कुछ इस मैजिक बोर्ड पर चेक कर रहा हूँ, ये तुम्हारा मैजिक बोर्ड तो बहुत ही अच्छा है। अरे पर तो ड्रॉ क्या कर रहा है इस पर? अरे वो मैं चाय पीने के लिए बिस्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि हम चाय के साथ बिस्किट भी खा सके। अरे पर बिस्किट तो मेरे पास किचन में है ना, चल लेते हो नीचे खिलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे फेवरेट बिस्किट चाहिए, रुक जाओ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अच्छा ठीक है ड्रॉ कर ले। ये स्पाइडरमैन भी ना बिस्किट ड्रॉ कर रहा है मैजिक बोर्ड पर। चल ठीक है, फटाफट से ड्रॉ कर ले। अब हम इसमें बनाएंगे बीच में खतरनाक स्पाइडर, क्योंकि ये स्पाइडरमैन है इसलिए हम यहाँ पे एक स्पाइडर बनाने वाले। चलो फटाफट से बनाते हैं। और इस स्पाइडर के होने वाले पाँच पाँच पैर, ये एक पैर, ये दो पैर, ये तीन पैर, लग रहा है ना एकदम खतरनाक स्पाइडर। अब इस साइड भी सेम करेंगे, ये एक पैर, दो पैर, तीन पैर और ये टाइम। अभी हमने इसको कंप्लीट कर दिया, अब हम इसके अंदर कलर करने वाले। तो स्पाइडरमैन का कलर होता है रेड, तो इसको पूरा का पूरा रेड कर देंगे, इसके जूते भी रेड कर देंगे, और फिर स्पाइडरमैन में थोड़ा ब्लू कलर ऐड करेंगे, यहाँ पे ब्लू ब्लू। और आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब इसके दांतों को भी मैं लाल कलर करूंगा, ताकि इसके दांत भी लगे बहुत ही खतरनाक। और ये हमारा खतरनाक सा वेनम, और हम इसको देने वाले नाम वेनम स्पाइडर। और ये मेरा वेनम स्पाइडर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें काला कलर करना बाकी है, और ये भी हो गया। चलो फटाफट से इसको रियल लाइफ में बनाते और फ्रैंकलिन को डराते। आखिरकार मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अबे स्पाइडरमैन, ये क्या बना डाला? तूने तो बोला था बिस्किट बना रहा है, ये क्या चीज है? फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हें पागल बनाया। मैं इतनी देर से स्पाइडरमैन के अंदर था और तुम्हें पता नहीं चला, और मैंने ये खतरनाक सा वेनम बना लिया है। क्या वेनम? हाँ वेनम, और अब मैं पूरे लॉस सैंटोस पे राज करूंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चल निकल यहाँ से। मुझे इस लॉस सैंटोस पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं इस मैजिक बोर्ड को भी खत्म कर दूंगा, फिर फ्रैंकलिन भी इसको यूज नहीं कर पाएगा। ये ले मैजिक बोर्ड, तू नहीं बचेगा। इस मैजिक बोर्ड को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये ले इसके मैजिक बोर्ड को, तो मैंने चूरा चूरा कर दिया। अब जाके मैं लॉस सैंटोस में तबाही मचाऊंगा। भागो लॉस सैंटोस वासियों, भागो, वेनम लॉस सैंटोस को खत्म करने आ चुका है। इस पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर दूंगा, और फिर इस लॉस सैंटोस में सिर्फ वेनम बचेंगे, और उन वेनम का राजा बनेगा ये खतरनाक सा स्पाइडर वेनम। मुझे बचाओ। ऐसा कौन फेंकता है? इस स्पाइडरमैन पागल हो गया क्या? ये स्पाइडरमैन ने तो मेरी हालत खराब कर दी। वैसे वो स्पाइडरमैन नहीं है, उसके अंदर वेनम घुस चुका है, और उसने मेरा मैजिक बोर्ड यूज करके एक खतरनाक स्पाइडर वेनम बना डाला। मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, पर उससे पहले मेरे को घर जाना पड़ेगा। टैक्सी टैक्सी टैक्सी, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। तू कैसर, उस स्पाइडर वेनम से मैं पतला जरूर लूंगा, उसने मेरी हालत बहुत खराब कर दी। मेरे पास ड्राइंग मैजिक बोर्ड है, मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जिससे उस वेनम की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। अरे टैक्सी वाले भैया, कहाँ लेके जा रहे हो गाड़ी को? बस एक बार मैं घर पर पहुंच जाऊँ, उस मैजिक बोर्ड पर मैं ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ, उस वेनम की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो कैसर, अभी उस टैक्सी वाले ने मुझे छोड़ दिया है, चलो बड़ा भर से चलते अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर कुछ खतरनाक। एक सेकंड, ये क्या हो गया? मेरा ड्राइंग मैजिक बोर्ड, ये क्या, मेरा ड्राइंग मैजिक बोर्ड की तो हालत खराब हो चुकी है, ये तो टूट चुका है, और इसका बाकी का पार्ट कहाँ है? उस वेनम के बच्चे, वो वेनम तो बहुत ही ज्यादा होशियार है, उसको पता था मैं अपने मैजिक बोर्ड पर कुछ कुछ खतरनाक बना के उसे हरा सकता था, इसलिए उसने मेरा मैजिक बोर्ड ही तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? अगर वो वेनम जिंदा रहा तो पूरे लॉस
सेंटोस की 12 बजा देगा। अभी जो ये लॉस सेंटोस में सफेद बदल देना, वो पूरे लाल खून के बादल होने वाले। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। पर मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक सेकेंड, लैपटॉप से पूछता हूँ, मेरा मतलब मैं गूगल से पूछता हूँ। जल्दी, मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप है पूरा सामने। तो कहा सर, अभी मैं गूगल से पूछने वाला हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ उस वेनम को हराने के लिए। तो कैसर, अभी हम आ चुके हैं गूगल पे, हमारे लैपटॉप पे। तो अभी हम इधर ढूंढने वाले कैसे हम उस खतरनाक से स्पाइडर वेनम को हरा सकते हैं। वो सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे बहुत तेज मारा था। पर आप टेंशन मत हो, हमारे गूगल को सब पता होता है। तो फटाफट से लिखते हैं, स्पाइडर वेनम को कैसे मारे। चलो फटाफट से सर्च करते हैं। तो कैसर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, और ऊपर से यहाँ पर लिखा हुआ है, लड़ने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा मारा जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, अरे कैसर ये क्या, गूगल ने तो मुझे और भी डरा दिया। उसने बोला कि बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना बहुत मार खाऊंगा। मैंने सोचा था गूगल मुझे सॉल्यूशन देगा, पर गूगल ने तो मुझे और ही डरा दिया। कैसर, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लॉस सैंटोस को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। अगर मुझे लॉस सैंटोस को बचाना है तो मुझे मैजिक बोर्ड तो कैसे भी करके चाहिए ही होगा, और मेरा मैजिक बोर्ड तो उस वेनम के बच्चे ने तोड़ दिया है। एक सेकंड, गूगल मुझे इलाज नहीं बता सकता, क्या वो मुझे मैजिक बोर्ड दे सकता है? रुक जाओ, अभी टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं सर्च करने वाला हूँ गूगल पर कि क्या वो मुझे मैजिक बोर्ड दे सकता है। तो गाइस, अभी मैं वापस अपने लैपटॉप पे आ चुका हूँ, और अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मैजिक बोर्ड। तो हमारा मैजिक बोर्ड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमें चाहिए होगा एक नया मैजिक बोर्ड। मुझे एक नया मैजिक बोर्ड दे दो प्लीज गूगल भैया। तो गाइस, अभी हमने यहाँ पे लिख दिया, मुझे एक नया मैजिक बोर्ड दे दो प्लीज गूगल भैया। फटाफट से लिखते हैं, देखते हैं क्या हमें मैजिक बोर्ड मिलेगा। 3, 2, 1, और ये क्या, ये मैजिक बोर्ड तो खुल गया। तो गाइस, मेरा प्लान काम कर गया, और ये खतरनाक सा गूगल का मैजिक बोर्ड यहाँ पर खुल चुका है। चलो फटाफट से इस पे एक ऐसी खतरनाक चीज बनाते हैं जो कि उस स्पाइडर वेनम को हरा पाए। और गाइस, एक स्पाइडर वेनम को कौन हरा सकता है, दूसरा वेनम। पर ये स्पाइडर वेनम से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके मुंह से शुरू करेंगे, तो इसका मुंह बनाते हैं। यहाँ पर ये बन गया इसका मुंह, थोड़ा सर्कल वाला मुंह बनाते हैं। यहाँ पर इसका सर्कल वाला मुंह बनाएंगे, और ये बन गया सर्कल वाला मुंह। तो कहा सर, मुंह तो इसका बन चुका है, पर इसकी पूरी की पूरी बॉडी बनाना अभी बाकी है। चलो फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके देने वाले हैं बड़े बड़े डोले, उस वाले वेनम के छोटे थे, पर इसके बहुत बड़े होने वाले हैं। चलो फटाफट, 1, 2, 3 और ये 4। इसकी फटाफट से हाथ बना देते हैं यहाँ पर, और फिर से जाएंगे 1, 2, 3 और ये देखो इसका हाथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। यहाँ का भी बनाएंगे फटाफट से, और ये भी बन गया इसका हाथ, कंप्लीट करते हैं। और ये कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है अभी से ही। बाकी की पूरी बॉडी को भी बना देते हैं यहाँ पर। रुको, इसको भी यहाँ पे मसल वाली बॉडी बनाएंगे इसके लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इसकी बॉडी भी यहाँ पर बन चुकी है। तो कहे सर, अब यार इसके हम बनाने वाले खतरनाक से पैर। तो फटाफट इसके पैर बनाते हैं, वो भी खतरनाक मसल वाले पैर बनेंगे, बड़े बड़े पैर इसके बनाने वाले। और यहाँ पर भी लेके जाते हैं ऐसे, और ये पैर भी बन गया। तो कैसर, बार बार की बॉडी तो इसके हमने बना दी, अब बारी अंदर की बॉडी बनाने की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके मुंह से, और ये वाला वेनम इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है, आपने आज तक कभी ऐसा खतरनाक वेनम देखा भी नहीं होगा। इसकी फटाफट से आंखें बनाते हैं, ये इसकी बन गई यहाँ वाली आंख। अब इसके अंदर एक और आंख होने वाली है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वो स्पाइडर वेनम की तरह तक कमजोर नहीं दिखने वाला, ये बहुत ही खतरनाक दिखने वाला है। अब इसका मुंह बनाते हैं, अब इसके यहाँ पे मुंह बनाएंगे, जो कि होने वाला है मुंह भी बहुत ही बड़ा और खतरनाक मुंह बनाने वाला है। इसको ऐसे लेके जाएंगे, और ये मुंह बन गया इसका। अब इसमें हम देंगे तिखोने लंबे लंबे, और बीच वाले लंबे सही में बहुत ही लंबे लंबे दांत होने वाले हैं इसके। देखो कितने खतरनाक दांत है इसके, और ये नॉर्मल, और ये बन गया। और इसकी यहाँ पर ये जीभ बना देते हैं, इसकी जीभ या लटकती हुई जीभ हमने यहाँ पर बना दी है। तो वेनम जैसा दिखाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक बीच में खतरनाक सा स्पाइडर, पर ये कोई नॉर्मल स्पाइडर नहीं है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पाइडर है। फटाफट से इधर इसका स्पाइडर बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे लेके जाएंगे, और कैसर इसकी फटाफट से पूछ निकालते हैं यहाँ पर, और ये कनेक्ट होने वाला इन सब से यहाँ पर। इसको यहाँ पर करवाया कनेक्ट, और इसको भी लेके जाके फटाफट से यहाँ पे लेके जाते हैं। और कैसर आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और कैसर
यहाँ पर इसको देंगे थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे खतरनाक, और इसके नाखून में बहुत ही बड़े करने वाला हूँ। जैसे इसके लंबे लंबे दांत है वैसे इसके लंबे लंबे नाखून भी है, फटाफट से इसको नाखून भी बना देते हैं। और यहाँ पर नाखून भी बन गए, लेट्स गो। तो इसके बड़े नाखून बन चुके हैं और इसके बड़े बड़े पैर बन चुके हैं, बड़े बड़े हाथ। अब बारी आखिरी चीज करने की, और वो चीज सही में सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है इसके अंदर। तो कहे सर, अभी हमारा वेनम तो लगभग कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें कलर करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंगे ब्लैक कलर, क्योंकि वेनम यार ब्लैक कलर का होता है, तो सब जगह ब्लैक 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 ब्लैक, हर जगह इसको ब्लैक ब्लैक कर देंगे। और यहाँ पर रेड कलर लेके इनको रेड करने वाले। तो कहे सर, अभी आप सोच रहे हो कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, पर ये अब अजीब नहीं लगने वाला, क्योंकि हम इसको और खतरनाक दिखने वाला लगाने वाले। अभी तो ये पूरा का पूरा हमने इसको ब्लैक ही कर डाला, पर वेनम यार थोड़े से अच्छे भी होते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ इसकी खतरनाक बनाने वाले, इसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। और वो बनेगा ऐसे, यहाँ पर हर जगह में लाइन खींचनी है, फिर इसके अंदर और लाइन खींचनी है, ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगे। तो फटाफट से हर जगह में इसकी आधी बॉडी पर ये चीजें करने वाले, ताकि ये बहुत ही खतरनाक लगे। और थोड़ा सा ब्लैक कलर इसके मुंह के यहाँ पे भी कर देते हैं, और इसकी इसके दांत वांत तो कलर करना मैं भूल ही गया। सबसे पहले इसकी जीभ के अंदर इसके खतरनाक खतरनाक दांतों के अंदर कलर करेंगे, और इसकी अंदर वाली आंख के अंदर भी हम करने वाले डार्क कलर, ये होगा ग्रे कलर। लेट्स गो, ये भी हमारा डन हो चुका है। अब फटाफट से ये लाइन इसकी पूरे के पूरे शरीर पे बनाते हैं, ताकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लगे। या इसका जो आधा शरीर जहां पे खत्म हो रहा है, वहां तक इसके हम लाइनें देने वाले हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं और इसको लाइनें देते हैं, ताकि ये हमारा वेनम बहुत ही पावरफुल लगे और उस स्पाइडर वेनम को आराम से हम हरा दें। एक बार वो स्पाइडर वेनम को खत्म कर दूं और अपने स्पाइडर मैन को बचा लूं, फिर मैं बन जाऊंगा लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक वेनम। सोचो यार कितना मजा आएगा, मैं एक बार लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक वेनम बन जाऊं, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल होऊंगा और मुझसे सारा का सारा लॉस सैंटोस डरने भी वाला है। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। अभी ये यहाँ पर लगभग हमारा वेनम कंप्लीट हो चुका है, बस व्हाइट कलर यहाँ पर लेते हैं और इस लाइनों को पूरा का पूरा बस हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसी हमें बहुत सारी लाइनें मारनी है, तो जल्दी जल्दी लाइनें मार देते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। बाकी सब चीजें तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये करना बाकी है, तो इसको भी फटाफट से कर देते हैं, डन 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 डन। और यहाँ पर भी सेम सेम डन डन। और कहे सर, अभी हमारा वेनम यहाँ पर बन चुका है पूरा का पूरा खतरनाक वेनम, और अब इसको ऐसे करेंगे, ये मैं बनना चाहता हूँ, गूगल को पता नहीं यार, इसलिए गूगल को बताना जरूरी है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे FRANKLIN, राइटिंग अच्छी नहीं है पर कोई बात नहीं, फ्रैंकलिन। और इसकी पावर हम बढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे POWER और पावर इनटू 100। तो गाइस हमारा वेनम रेडी है, हमारी पावर भी रेडी है, अब हमारा आएंगे उस स्पाइडर वेनम को। चलो इसको रियल लाइफ में लाते हैं, क्या ये वर्क करेगा, क्या गूगल का मैजिक बोर्ड वर्क करेगा, चलो पता करते हैं। और गाइस आप देख सकते हो, ये गूगल का मैजिक बोर्ड यहाँ पर काम कर चुका है और मैं कितना ज्यादा खतरनाक बन चुका हूँ। आप देख सकते हो, मैं तो उस स्पाइडर वेनम से भी खतरनाक बन चुका हूँ, एक खतरनाक सा ब्लैक वेनम। और गाइस ये खतरनाक सा ब्लैक वेनम उस स्पाइडर वेनम को नहीं छोड़ने वाला, उसने मुझे बहुत ही परेशान किया, मुझे बहुत मारा, पर अब मेरी बारी है उसको मारने की। मेरी शक्तियां सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये एक गाड़ी को उठा के सीधा फेंक और सारी गाड़ियां हिल जाती है, या बूम। और आप देख सकते हो, सारी गाड़ियों को मैंने अभी हवा में उड़ा दिया है। अब तो गाइस वो स्पाइडर वेनम बिल्कुल नहीं बचने वाला, स्पाइडर वेनम आ रहा हूं मैं। स्पाइडर वेनम, पिछली बार तो तूने मुझे बहुत तेज मारा था, पर इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला और अपना बदला पूरा लूंगा। फ्रैंकलिन, 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 अगर तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकता है तो तू गलत है, क्योंकि मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। फ्रैंकलिन मुझे बचा लो, फ्रैंकलिन। ये क्या, ये तो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन, मैं तुझे बचा लूंगा। तुम मुझे नहीं बचा पाओगे, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। तो आजा फिर, देखते हैं कौन किसको खत्म करता है और मैं स्पाइडरमैन को कैसे भी करके बचाने वाला हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इधर आ काले वेनम।
फ्रैंकलिन तू वैसे भी काला है और तूने काला वेनम भी बनाया है। अबे तेरी तो ये काला वेनम बहुत खतरनाक है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला स्पाइडर वेनम के बच्चे। इधर आ, निकल यहाँ से। तू काइजन, मैं तो स्पाइडर वेनम को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अगर आप स्पाइडर वेनम को बचाना चाहते हो तो आप उसको नहीं बचा सकते, पर अगर आप मेरी पावर्स बनाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे उतनी ज्यादा मेरी पावर्स बढ़ेगी और स्पाइडर वेनम की हालत खराब होगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। फ्रैंकलिन, मुझे बचा ले फ्रैंकलिन। अरे काइजर, मैं इसको ढंग से मार भी नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर स्पाइडर है, हमारा स्पाइडरमैन इसके अंदर अटका हुआ है, और अगर मैंने इसको ज्यादा तेज मार दिया तो स्पाइडरमैन को भी लग सकती है। फ्रैंकलिन, मुझे बचा लो। स्पाइडरमैन, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बाहर निकाल के रहूंगा। अबे वेनम के बच्चे, बाहर निकल। तुमने मुझे स्पाइडरमैन के शरीर के बाहर निकाल दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे ये गोलियां क्या मार रहा है तेरी, इस गन से मुझे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तो तू है जो कि इसके अंदर छुप के बैठा था, ये चूजा वेनम। पर ये कितना ज्यादा कमजोर, ये स्पाइडरमैन के अंदर घुस के बैठा था और अब ये बाहर आ चुका है। चूजे तो नहीं बचने वाला, चल मेरे साथ। तो काइजर, अभी हमने इस चूजे जैसे वेनम को पकड़ लिया है और हम इसको लेके जाने वाले हैं, उसको बताने वाले हैं हम कितने ज्यादा पावरफुल है। ये क्या रे, कितना छोटा सा पतला सा है यार। मैंने सोचा कोई खतरनाक सा वेनम होगा, ये तो बहुत ही कमजोर लगता है, कुपोषित वेनम है भाई साहब। इसको लेके चलते हैं और हम इसको पानी में फेंकने वाले हैं। इसको हम पानी में डिबो डिबो के मारते हैं। चल पानी में, ये पानी में जाएंगे भरेंगे, पानी में जाएंगे भरेंगे। ये क्या कर रहे हो, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ नहीं, अब मैं तुझे साफ करने वाला हूँ लॉस सैंटोस के समुंदर के अंदर। चले। तो काइजर, इसको हमने लॉस सैंटोस के समुंदर के अंदर फेंक दिया है और हम जाने वाले हैं वापस से लॉस सैंटोस में आ गए। तो काइजर, इसी के साथ वेनम का राज खत्म। लॉस सैंटोस वालों को उसने बहुत ही परेशान किया, पर अभी वो खत्म हो चुका और हमने स्पाइडरमैन को भी बचा लिया। स्पाइडरमैन को कहां छोड़ा था पता नहीं, पर उसको हमने वेनम के शरीर से अलग कर दिया है और वो भी बच चुका है। तो काइजर, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता रहे कि वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और काइजर मैं आपको कैसा लग रहा हूं वो भी बता देना, मैं बहुत ही खतरनाक समय ना बुना। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना, और काइजर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।